हेलो देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो उम्मीद है आपने मेरी एयर सीरीज देखी होगी, आपको बहुत ही पसंद आई होगी। एयर सीरीज में मैंने सारी एयर स्ट्रेटजीज डाली है टाउन हॉल 12 के लिए, सारी यूनिक और नई स्ट्रेटजीज डाली है जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो आज तक हमारे 5 वीडियोस हो चुके हैं कंप्लीट, अब ये है हमारा 6th वीडियो एयर सीरीज का। और इसमें मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी, रॉकेट आई साउंड स्ट्रेटजी नाम देने वाला हूँ मैं इस स्ट्रेटजी को। इसमें हम यूज़ करने वाले रॉकेट बलून्स, आई साउंड्स और ड्रैगन्स। तो अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, सो आपको नए नए स्ट्रेटजीज वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये वीडियो एंड तक देखेगा अगर आपको अच्छे से स्ट्रेटजी सीखनी है, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की आर्मी। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 आई साउंड्स, 5 रॉकेट बलून्स, 6 ड्रैगन्स, 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन और 1 बेबी ड्रैगन। और स्पेल्स में हमने लिए 6 बैड स्पेल्स और 5 फ्री स्पेल्स। क्लैन का शॉर्ट रूप्स हमारे वही सेम है, इलेक्ट्रो ड्रैगन और 2 बलून्स, रेज और स्टोन स्लैमर। और हीरोज जैसे कि मेरा बार्बियन किंग अपग्रेड पर है और बाकी दोनों हीरोज है, आपके पास बार्बियन किंग हो तो आपको फनल में बहुत काम आएगा आर्चर क्वीन के साथ। तो चलिए अब आर्मी हमने देख लिया, वीडियो को एंड तक देखेगा गाइज और कीप सपोर्टिंग मी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लाइव अटैक की तरफ रॉकेट आई साउंड स्ट्रैटेजी के साथ। मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ किस तरह से और किस बेस पर अटैक करना है। तो देखिए, पहले आपको हर बार की तरह एयर स्वीपर लोकेट करने, एयर स्वीपर की पोजीशन के हिसाब से हम अटैक करेंगे और फिर एयर डिफेंसिस लोकेट करने। तो देखिए एयर डिफेंसिस दिखा देता हूँ आपको। और फिर हमें जो मेन प्रायोरिटी है यहाँ पर भी टाउन हॉल है, और टाउन हॉल के आजू बाजू हम फनल क्रिएट करेंगे ट्रूप डालकर। एक साइड डालेंगे इलेक्ट्रो और दूसरी साइड डालेंगे आर्चर क्वीन। तो इस साइड जिस साइड कॉम्पैक्ट हो वहाँ पर हम इलेक्ट्रो ड्रैगन डालेंगे, और जहाँ पर कॉम्पैक्ट ना हो वहाँ पर हम आर्चर क्वीन और बार्बियन किंग डालेंगे। अगर आपके पास बार्बियन किंग हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ आर्चर क्वीन डालूंगा। तो चलिए अब दिखा देता हूँ आपको लाइव अटैक करके। इस तरफ हम डालने वाले पहले रॉकेट बलून से थोड़ा एयर माइन डिटेक्ट करने के लिए डालेंगे रॉकेट बलून्स, और यहाँ पर जो एयर डिफेंस है उसे डिस्ट्रॉय करने के मैंने रॉकेट बलून्स डाल रहा हूँ। तो देखिए एयर डिफेंस एक डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पर इलेक्ट्रो डाल दिया है। तो अब दूसरी साइड पर हम आर्चर क्वीन डाल देंगे क्योंकि वहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बेबी ड्रैगन को भी फनलिंग में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं ड्रैगन्स के साथ। तो चलिए देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फनल हो चुका है क्रिएट। तो पहले हम आई साउंड डालेंगे, आई साउंड की जगह मैंने गलती से स्टोन स्लैमर छोड़ दिया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए एक आई साउंड छोड़ दिया फिर भी, और बाकी के सारे ट्रूप डाल देंगे फिर। अब दूसरा आई साउंड थोड़ी लेट छोड़ा क्योंकि दूसरा जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही दूर है इसलिए। और टाउन हॉल के पास याद रखेगा तुरंत ही रेज डाल देना ताकि आपके ट्रूप ईजिली टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर वार्डन एबिलिटी यूज़ कर ली हमने। तो आप देख सकते हैं अब बहुत ही अच्छा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब शुरू कर देंगे हमारे बैट्स, वहाँ पर मल्टी फनल था इसलिए उसको भी फ्रीज किया है हमने, और फ्रीज ही रखना है। और विजार्ड टावर भी है साथ में, और ये देखिए आई साउंड का इफेक्ट भी मिल रहा है हमें बहुत ही बढ़िया, इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया काम आएगी। आई साउंड का आइस इफेक्ट मिलेगा आपको, और आपके पास भी आइस स्पेल्स है, फ्री स्पेल्स है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी। देख सकते हैं आप मल्टी इन्फनोस थे फिर भी आपने कई सारे बैट्स बचे, और ये बैट्स को एयर माइन ने ले लिया है। एयर माइंस बहुत ही वो होते, बहुत ही खतरनाक होते बैट्स के लिए। देख सकते हैं आप सारे बैट्स ही कि इसमें मर चुके हैं, सिर्फ 1-2 बैट्स बचे, लेकिन फिर भी हमारे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 4-5 ड्रैगन्स दिख रहे हैं, और वार्डन भी फुल हेल्थ पर है, और आई साउंड के आइस पॉप्स भी है, बेबी ड्रैगन भी बचा हुआ है। सो इसी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया अटैक हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट गाइस। शानदार स्ट्रेटजी है गाइस, यूज़ करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये आर्मी। इसी के साथ हमारा पहला अटैक यहाँ पर हो चुका है 1 3 स्टार। चलिए दिखाता हूँ और एक अटैक आपको। यहाँ पर 2 एयर डिफेंस, सारे एयर डिफेंसिस अपग्रेड पर है, तो आपको लगेगा ये अटैक ईजी है।
लेकिन फिर भी अब ये बेस मिला है तो मैं आपको अटैक करके दिखा देता हूँ। पहले हम फनल क्रिएट करेंगे, देखिए रॉकेट बलून्स ने कैसे एयरमैन डिटेक्ट कर ली। एक साइड पे आर्चर क्वीन, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रो ड्रैगन, यहाँ पर हम बेबी ड्रैगन का भी यूज़ करेंगे फनल क्रिएट करने के लिए। और रॉकेट बलून्स एक एक करके डालने हैं आपको डिफेंसिस डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब फनल हो चुका है क्रिएट, तो हम डाल देंगे सारे आई साउंड्स, क्योंकि एयर डिफेंसिस जो है वो बाजू बाजू में ही है। और सारे ड्रैगन, स्टोन स्लैमर, ग्रैंड वार्डन, तो आप देख सकते हैं। और रेज डाल देना है वहाँ पर। यहाँ पर भी हमारा मेन प्रायोरिटी पहले ये है कि हमें टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करना है, तो हम टाउन हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं। और वहाँ पर देखिए क्या बढ़िया आई साउंड का आइस इफेक्ट मिला था हमें। सब सिर्फ थोड़ा सा बचा है टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होने में। और इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन। सो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स। यहाँ पर टाउन हॉल एकदम सेंटर में था, इसलिए टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा टाइम लग गया हमें। ये स्ट्रेटजी में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे बेस पर अटैक करना है कि टाउन हॉल एकदम कॉर्नर पे हो या थोड़ा सा सेंटर से दूर हो। ऐसे बेसिस पर यह अटैक बहुत ही ईजी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्वैग फ्री स्पेल बचा है हमारे पास, वो भी ऐसे यूज़ कर लिया है। और बैट्स हमारे कई सारे बचे हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन, ड्रैगन, तो ये अटैक भी इजीली एक 3 स्टार हो चुका है हमारा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका क्लैश विद अवेज़। और वंडरफुल अटैक एक यहाँ पर हो चुका है कम्प्लीट 3 स्टार अटैक। अब मैं आपको और एक अटैक करके दिखाता हूँ जो मेरा फेवरेट वॉर बेस है उस पर। यहाँ पर टाउन हॉल के पास एक्सपो ट्रैप है, इसलिए हम इस बार टाउन हॉल की तरफ साइड से अटैक नहीं करेंगे। इस बेस पर अगर आप टाउन हॉल साइड से अटैक करेंगे तो ज़रूर आपका अटैक फेल हो सकता है, इसलिए हम ईगल आर्टिलरी साइड से अटैक करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रो से फनल क्रिएट करेंगे और दूसरी साइड जो है वो अंदर से आर्चर क्वीन डालकर एयर डिफेंस लेने का ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते थे हमारा अटैक। पहले वही रॉकेट बलून से चेक करना है एयर माइंस, और फिर डाल दिया इलेक्ट्रो ड्रैगन वहाँ पर। अब दूसरी साइड पर हमने डाल दिया आर्चर क्वीन। सो आर्चर क्वीन को अंदर ले जाने के लिए जो साइड की डिफेंसेस है उन्हें हम रॉकेट बलून से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे, ताकि आर्चर क्वीन जो अंदर जाए और एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर जाए। देख सकते हैं आप दोनों साइड से काफ़ी बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर मैंने एक बेबी ड्रैगन भी डाल दिया एक्स्ट्रा फनलिंग के लिए, इसलिए आप बेबी ड्रैगन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं फनल के लिए या तो फिर अटैक में। देखिए बहुत ही शानदार फनल क्रिएट हो चुका है, तो हम थोड़ी देर बाद सारे ट्रूप्स डाल देंगे। और इस इसी में से इलेक्ट्रो और बलून्स निकल चुके हैं, तो अब हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे। और फिर ईगल आर्टिलरी के आसपास रेज भी डाल देंगे ट्रूप्स के लिए आसानी हो इसलिए। आई साउंड देखिए मैं एक एक करके डाल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एयर डिफेंस दूर है इसलिए। तो ये है ध्यान रखना है, अगर आपका एयर डिफेंस पास में हो तो दोनों आई साउंड डाल देना है, अगर दूर हो तो एक एक करके डालना है। तो देख सकते हैं आप क्या बढ़िया आइस इफेक्ट मिल रहा है। और अब हमारे ट्रूप्स पहुँच रहे हैं टाउन हॉल की तरफ, सो हम यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी। और अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट स्पेल्स। विजार्ड टावर को रखना है फ्रीज, और यहाँ पर टाउन हॉल भी बचा है इसलिए टाउन हॉल को भी फ्रीज रखना है। इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन, एक विजार्ड टावर बच गया है वहाँ पर और हमारे पास फ्रीज नहीं बचे, इसलिए हमारे बैट्स नहीं बच पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे मैक्सिमम ड्रैगन्स जो है वो बचे हुए, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी है, वार्डन भी है, तो इजीली अटैक भी हो जाएगा, एक 3 स्टार अटैक गाइस। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।
मेरे चैनल को। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजीज मैं आपको देता रहूँगा और आगे मैं बेसिस के लिंक्स भी देने वाला हूँ, वैसे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर माई वीडियोज़ गाइज। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ और एक अटैक हमारा जो है वो 3 स्टार हो चुका है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून फॉर माई फर्दर वीडियोज़। बाय गाइज, सी यू सून।